प्रधानमंत्री जन्मदिन सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत भाजपा की विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत भाजपा द्वारा नगर के मां बम्लेश्वरी मंदिर प्रांगण स्थित हॉस्पिटल ऊपर हाल में विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने कार्यकर्ताओं में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जोश भरते हुए कहा कि कार्यकर्ता पूरी सेवा भाव से पार्टी के लिए काम करे, सेवा ही संगठन है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 80 करोड़ जनता के लिए निःशुल्क चावल भेजा है, लेकिन प्रदेश की झूठ फरेब व वादा खिलाफी करने वाली कांग्रेस सरकार ने जनता को इसका लाभ नहीं दिया। उन्होंने राष्ट्रीय भाजपा के आह्वान पर आगामी 7 व 8 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर ब्लॉक के सभी राशन दुकानों में पहुंच केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और 9 व 10 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की जानकारी दी। सांसद श्री बघेल ने उपस्थित सभी भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा से एकजुट होकर 2 वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही। बैठक में प्रभारी व पूर्व विधायक रामजी भारती ने कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष निकालते हुए कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी तब से गरीब मजदूर व किसान पूरी तरह परेशान हैं। जनता ने समस्या को सुनने के लिए इन्हें कुर्सी पर बिठाया है, लेकिन यह समस्या को दूर करने के बजाय झूठ और वादा खिलाफी कर गुमराह करने में लगे रहते हैं। बैठक में पूर्व विधायक विनोद खांडेकर, सरोजनी बंजारे व कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसमें चारों मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारी आए थे। चारों मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारी आए थे कुंभरगढ़ के, और उसमें हम लोग ने समीक्षा की कि जो जो निर्देश आए थे राष्ट्र से प्रदेश के माध्यम से, उनकी क्या स्थिति है और आने वाले समय में क्या क्या और निर्देश आए, उसके अनुसार हमको काम करना है। जैसा कि सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म 17 सितंबर को हुआ था, विश्वकर्मा पूजा के दिन, और उस दिन से पूरे 20 दिनों तक संगठन सेवा ही संगठन है, ये कार्यक्रम चल रहा है और रोज़ अनेक कार्यक्रम हमें करना है, ये सुनिश्चित है। और उसी कार्यक्रम में आज विधानसभा स्तरीय बैठक थी, जिसमें सभी प्रमुख और विधायकगण, सभी पदाधिकारीगण, सहकारिता प्रकोष्ठ के भी हमारे पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए, सभी प्रकोष्ठों में उपस्थित हुए। मंडलों में अभी जाकर जो राशन दुकान है, जिसमें 5 किलो चावल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से, 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में देने का संकल्प। विधानसभा का बैठक हमारे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल भैया के नेतृत्व में लिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए हर मोर्चे पर, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, मंडल की टीम के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अपना कार्यकर्ताओं को मजबूती और उन्हें उत्साह प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, और सभी की सहभागिता है कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए, अंत्योदय परिवार के लिए जो 5 किलो राशन मुफ्त में मई से लेकर के नवंबर तक देने का उन्होंने घोषणा ही नहीं की, बल्कि 80 करोड़ लोगों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन ये भूपेश सरकार उन गरीबों को राशन को अपना राशन बता करके काट रही है, दे भी नहीं रही है। 3 परिवार के बाद चौथा व्यक्ति है तो उसको 5 किलो दे रही है, वो भी बता रही है राज्य सरकार का है। उसके लिए हम लोग 7 और 8 तारीख को प्रत्येक राशन दुकानों पर धरना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे।